Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalamu alaikum and welcome back to Ginger Sports YouTube channel. आप सब देख रहे हैं Ginger Sports Show. आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं यहाँ पर जी top 3 cricket news. If I'm not wrong, top 3 cricket news निकल के सामने आ रहे हैं, वो आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहे हैं. और एक बड़ी कोई मतलब कि यूनिक किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, वो क्या खास सीन है वो आप उनसे डिस्कस करेंगे. नंबर वन पर बात करेंगे, फखर जमान ने एक स्टेटमेंट दी है कि जो रिजवान और बाबर आजम का पेयर है वो दुनिया में नंबर वन है, इसके ऊपर बात करेंगे. नंबर टू पे बात करेंगे, वहाब रियाज ने यहाँ पर कह दिया है और क्लियर कर दिया है कि आईपीएल पीएसएल से बहुत बेहतर है, वो क्या सारा सीन है वो आप लोगों से डिस्कस करेंगे. उसके अलावा एट लास्ट बात करेंगे, शोएब अख्तर ने एक और स्टेटमेंट दिया है यहाँ पर, शोएब मलिक ने एक और स्टेटमेंट दिया है यहाँ पर मिसबा उल हक के बारे में. पहले उन्होंने मिसबा पर क्रिटिसिज्म किया था कि ऐसे सिलेक्शन नहीं होती है, कैप्टन का भी कोई रोल होता है, कैप्टन के ऊपर भी सिलेक्शन होनी चाहिए. अब एक और स्टेटमेंट दिया उन्होंने, वो क्या सीन है वो आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे. तो वीडियो के अंदर लास्ट में देखिए, अगर आप चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा. अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा. नाउ स्टार्टिंग ऑफ द बिगेस्ट स्टेटमेंट जिसकी अगर आप बात करें तो वो आ रही है फखर जमान की जानिब से. फखर जमान ने कहा है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का जो जोड़ी है, जो ओपनिंग प्लेयर है, दैट्स द बेस्ट इन द वर्ल्ड. मतलब द बेस्ट इन द वर्ल्ड, मेरे ख्याल से तो ये बेस्ट इन द वर्ल्ड भी नहीं है, मेरे ख्याल से बेस्ट इन द पाकिस्तान भी नहीं है, और मतलब कि मेरे ख्याल से इन दोनों के बगैर भी कोई अच्छा प्लेयर बन सकता है. मतलब ये फखर जमान कैसे स्टेटमेंट दे सकते हैं, मतलब मुझे समझ नहीं आई है. बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का चलो इट्स वेरी गुड प्लेयर, आई एग्री विद दैट, बट बाबर आजम राइट नाउ इज कम्प्लीटली आउट ऑफ नेक, इज कम्प्लीटली आउट ऑफ नेक. उनकी परफॉर्मेंस नहीं, उनसे परफॉर्मेंस हो नहीं रही है. और आप रेट कर दें जी बाबर आजम इज अ वेरी गुड प्लेयर, मतलब इज अ वेरी गुड प्लेयर, बट बाबर आजम एंड रिजवान ओपनिंग प्लेयर इन T20 एंड T20 वर्ल्ड कप इज गोना बी द बेस्ट, इज बेस्ट, नो क्वेश्चन एट ऑल. भाई इंग्लैंड का प्लेयर कहाँ पे गया, इंडिया का प्लेयर कहाँ पे गया, इवन के मतलब कहाँ पे गया ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स कहाँ पे गए यार, आपके बस पाकिस्तान का प्लेयर बेस्ट है. इससे अच्छे पाकिस्तान में और प्लेयर्स बन सकते हैं, शर्जील फखर, शर्जील बाबर, शर्जील रिजवान. मतलब मेरे ख्याल से जो बेस्ट प्लेयर बन सकता है वो है शर्जील और रिजवान का, मेरे ख्याल से. आपका अपना ओपिनियन हो सकता है, वो भी पाकिस्तान में, वो भी दुनिया में नहीं, वो भी पाकिस्तान में. अगर आपने कहना है कि यार हम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप शर्जील और फखर को डाल दें, दोनों में से एक तो चलेगा. नहीं तो मतलब कि इसमें आपकी चांसेस है कि आप अच्छा भी करें और आप बुरा भी ना करें, मतलब कि ज्यादा फेलियर्स भी ना हो, तो आप शर्जील और रिजवान को भेजें, दोनों बहुत अच्छा कर सकते हैं. लेकिन दोनों एक किस्म के बैट्समैन, दोनों स्लो खेलने वाले बैट्समैन, आप T20 में ओपनिंग में डाल के ये कभी नहीं कह सकते हैं कि दीज आर द बेस्ट ओपनिंग बैट्समैन इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड. टोटली डिसएग्री विद द स्टेटमेंट, उनका अपना ओपिनियन है, मुझे नहीं पता उन्होंने किस अंदाज से सोच के स्टेटमेंट दी है. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट स्टेटमेंट वो आ रही है हमारे पास निकल कर शोएब मलिक की जानिब से, जिन्होंने कहा है कि मिसबा एज अ क्रिकेटर और एज अ ह्यूमन बीइंग एक बहुत हम्बल और रिस्पेक्टफुल इंसान है, पर उनको इतनी जल्दी कोचिंग में आना नहीं चाहिए था. कोचिंग में आने में उन्होंने बहुत जल्दी यहाँ पर किया है, ये कहना था आपके शोएब मलिक का. आई एग्री विद द स्टेटमेंट, मतलब कि मिसबा को कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि वो पाकिस्तान टीम में आके कोचिंग करें, और वो इतनी जल्दी आके कोचिंग करें, एक्सपीरियंस नहीं था मिसबा उल हक का, एंड आई एग्री विद दैट. और हाँ, मिसबा एज अ बैट्समैन, एज अ क्रिकेटर, एज अ ह्यूमन बींग इज फैंटास्टिक. ये शोएब मलिक ने ये कम्प्लीटली क्लियर किया. यहाँ पर लोग क्रिटिसाइज करते हैं मिसबा को एज हिज पर्सनैलिटी फ्रॉम हिज क्रिकेटिंग करियर, जो कि मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ. क्रिकेटिंग करियर वो बेशक टुक टुक था, बट वो क्या करते यार, चार पे आपका एक आउट हुआ होता था, मतलब सॉरी चार आउट हुए होते थे एक रन पे, तो वो आगे छक्का मार के चले जाता है. आप लोग बोलेंगे ना यार ये देखो ए भी छक्का मार के चला गया, वो टिप कर रहे हैं, ये देखो ये टुक टुक कर रहा है, यू नो यू हैव टू एक्चुअली लुक ऑन दैट. हाँ बट हाँ, उससे उनकी डिफेंसिव अप्रोच हुई है, आई एम गोना एग्री विद यू ऑन दैट. कमिंग ऑन टू द लास्ट थिंग, इन द लास्ट जो कि एक तरह से न्यूज है, वो जो हमारे पास निकल कर सामने आ रही है, वो न्यूज हमारे पास है